राज, वीर सिंह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे ना? महाराज, विष के प्रभाव से इनके प्राण ऊर्जा बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। मैंने इनकी नाड़ी चक्र पर ये मणियां रख दी। जैसे जैसे ये मणियां रंग बदलेंगी, वैसे वैसे विष का प्रभाव कम होता चला जाएगा। अगर किसी कारणवश कल सुबह तक इन मणियों का रंग नहीं बदला तो वीर सिंह को बचाना असंभव होगा। महाराज, समय महाराज अभी तो हमारी गति से भी चलिए, शीघ्र अति शीघ्र, ताकि हमारा भी कुछ कल्याण हो। वैद्यराज, वीर सिंह के प्राण किसी भी हालत में बचा नहीं है, आप कोई और विधि कोई और प्रयोग कीजिए। महाराज, मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ विद्याओं को पूर्ण प्रयोग में ला चुका हूँ। अब तो विश्व को धारण करने वाले नीलकंठ देवों को देव महादेव का ही आश्रय है। उनकी कृपा दृष्टि से तो विष भी अमृत में बदल जाते हैं। ये तो हमारे महाराज शिवदत्त हैं। भैया, भैया, ये क्या हो गया आपको? एक लड़की की जिद में आपने अपने प्राण गंवा दिए। ऐसा ना कहिए महाराज जय आदित्य, ये तो मात्र मूर्छित हैं। हमारी तो जान सूख गई थी। कितनी खुशी की बात है कि भैया जीवित हैं। आप नौगढ़ के महाराज हैं, आपकी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। कहां आपकी एक पुकार पर लोगों के दिल दहल जाते थे और कहां दिल से याद आया, आपके दिल की धड़कन तो सही धड़क रही है ना? तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? महाराज शिवदत्त को उनके कक्ष में पहुंचाओ और जल्दी से राज वैद्य को सूचित करो। तो ये वो अंगूठी है जिसके बलबूते पे तेज सिंह इस राज्य का सबसे बेहतरीन अय्यार माना जाता है। इस अंगूठी का मेरी मुट्ठी में होना मतलब तेज सिंह का मेरी मुट्ठी में होना, और एक बार तेज सिंह मेरे इशारों पर नाचने लगा तो इस नौगढ़ का राज सिंहासन मुझसे कैसे दूर रह सकता है? तेज सिंह से मिलने का वक्त आ गया है। राजकुमारी जी, कहाँ जा रही है आप?
महाराज चंद्रकांता, आप अचानक क्या इस तरह? हे देवों के देव महादेव, हे महाकाल, आपने तो सदा हलाहल विष का पान कर सृष्टि को अमृत प्रदान किया है। आज अपनी कृपा दृष्टि डालिए, अमृत का वरदान दीजिए, वीरू को जीवन दान दीजिए। हरिहरा है आप, हर लीजिए विष की आखिरी बूंद भी उसके देह से। रक्षक बनकर उसने हमारे सम्मान के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। अब आप ही उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। महाराज, राजकुमारी चंद्रकांता महल परिसर में स्थित महादेव के मंदिर में। चंद्रकांता महादेव के मंदिर में, आखिर मंशा क्या है उसकी? हे देवादिदेव, आप तो स्वयं नटराज है, नृत्य आपसे उत्पन्न हुआ है। जब आप नर्तन करते हैं तो सृष्टि में सजन होता है, भस्म हो जाता है सारा अधर्म। आपके आशीर्वाद से आज हम भी नृत्य करेंगे ताकि वीरू के शरीर का विष हो जाए। सौगंध लेते हैं हम आपकी महादेव, ये पैर तब तक नहीं ठहरेंगे जब तक वीरू को होश नहीं आ जाता। विजयगढ़ के मान सम्मान की रक्षा करने वाला हमारा सेना नायक वीर सिंह आज सासों की लड़ाई लड़ रहा है। हे माता, उसके प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। इसका मतलब वीरेंद्र की जान खतरे में है।
रुक जाओ चंद्रकांता। महाराज, राजकुमारी ने प्रण कर लिया है कि जब तक सेना नायक वीर सिंह स्वस्थ नहीं हो जाते वो इसी तरह नृत्य करती रहेगी। वैद्य जी, हम देख रहे हैं कि पिछले 3 पहर से आपने कुछ खाया नहीं। जाइए, आप जाकर भोजन कर लीजिए, हम वीर सिंह जी को संभाल लेंगे। परंतु मैं अपना समय व्यर्थ मत कीजिए वैद्य जी, जाइए और भोजन कीजिए, हम हैं ना। वल्लाह, कितने असहाय हो गए हो तुम सेना नायक। देखो, कोई भी नहीं है यहां तुम्हारी सुरक्षा के लिए। हमें तो डर इस बात का है कि कोई तुम्हारे प्राण ना हर ले, कोई तुम्हें मार ना डाले, कोई ऐसा जो राजकुमारी चंद्रकांता को चाहता हो। और दुख तो इस बात का है कि कोई बचाने के लिए आ भी नहीं सकता। आप क्या कर रहे हैं? हम वो बस वीर सिंह जी के सर के नीचे तकिया लगा रहे थे। पर तकिया इनके सर के नीचे कहाँ, मुंह पर है। बहुत ही समझदार है, जो तकिया उनके मुंह के ऊपर है उसे हम इनके सर के नीचे लगा रहे हैं। वैद्य जी कहाँ है? उनको तो हर समय वीर सिंह के साथ होना चाहिए। वैद्य जी, हाँ, वो वैद्य जी भोजन करने के लिए गए हैं, काफी विलंब कर दिया है, हम जाकर उन्हें बुलाते हैं। तब तक आप वीर सिंह का ख्याल रखिएगा। तुम यहां जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हो, लेकिन याद रखना वीरेंद्र, तुम सोते नहीं रह सकते। तुम्हें इस जंग को जीतना, कई सारे अधूरे काम हैं जो तुम्हें पूरे करने हैं। अरे, ऐसे कैसे अकेले छोड़ के चले गए आप वीर सिंह जी को? इतने लापरवाह आप कैसे हो सकते हैं? चंपा चपला, राहु केतु बनकर हमेशा मेरे मार्ग में क्यों आ जाती हैं? तमाशा बना के रख दिया इस लड़की ने। लोग क्या सोच रहे होंगे, एक राजकुमारी पैरों में ये घुंघरू बांध के एक अनजान व्यक्ति के लिए यूं नाच रही है। जबान को लगाम दो महारानी, वीर सिंह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, वो शख्स है जिसने चंद्रकांता की आन और मान की रक्षा की है। तो
भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है, वीर सिंह जी को होश आ गया। हाँ, राजकुमारी चंद्रकांता की तपस्या से इनके शरीर का विष भस्म हो गया। हमें उन्हें सूचित करना चाहिए। राजकुमारी चंद्रकांता की तपस्या। नहीं नहीं चंद्रकांता, बस करो, हट नहीं करते बेटी, ये तपस्या तुम्हारी जान ले लेगी, बस करो। नहीं पिताजी, हम नहीं रुकेंगे, जब तक वीरू को होश नहीं आ जाता हम नहीं रुकेंगे। नहीं राजकुमारी जी, वीर सिंह जी को होश आ गया है, भगवान ने आपकी बात सुन ली, वो ठीक है। सुन ली, हम जानते थे वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये कैसी लीला है आपकी महादेव, चंद्रकांता के हृदय में ये कैसा एहसास जगा दिया आपने। एक खूंखार कभी भावुक नहीं हो सकता, कमजोर नहीं पड़ सकता महादेव। ना तो ये चंद्रकांता के साथ न्याय होगा और ना ही मेरे साथ। आपका ये निर्णय मुझे अस्वीकार है महादेव। राजकुमारी, पता है वीर सिंह जी, राजकुमारी चंद्रकांता ने आपके स्वस्थ होने के लिए अखंड व्रत रखा था कि जब तक आपको होश नहीं आ जाएगा वो महादेव जी के सामने नृत्य करती रहेंगी। राजकुमारी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ही महादेव ने आपको जीवन दान दिया है। नहीं, सिर्फ हमारी प्रार्थना से नहीं बल्कि विजयगढ़ के हजारों लाखों लोगों के आशीर्वाद और आस्था से महादेव की कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। हट जाओ, मैं
मिल लेने दो हमारी प्रजा को वीर सिंह से। जो आपने मेरे दोस्त के प्राण बचाए, यदि इसे कुछ हो जाता तो मैं महाराज मारीच को क्या मुंह दिखाता। सेना नायक जी, एक बार इन चूड़ियों को छू दीजिए। हमारा विश्वास है कि आपके द्वारा छुई गई चूड़ियां अगर हमारे हाथों में रहेंगी तो हमारा सुहाग हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस रक्षा सूत्र में विजयगढ़ की सारी बहनों की दुआएं हैं। जब तक ये आपके हाथ में बंधा रहेगा तब तक आपका हाथ कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। जुग जुग जियो बेटा। तुम्हारे जैसे वीर के होते हुए हम गरीबों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ है। हमारे पिताजी नहीं है, लेकिन माँ कहती है कि आपको भगवान जी के घर से उन्होंने ही भेजा है हमारी रक्षा करने के लिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि बड़े होकर हम भी आप जैसे बन सके। वीर सिंह की जय। 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 देखो वीर सिंह। वीर सिंह की जय। किस तरह इन सब का प्यार तुम्हारे प्रति उमड़ रहा है। अपना रक्षक, अपना भगवान मानते हैं तुम्हें ये लोग। अब तुम सिर्फ सेना नायक नहीं, विजयगढ़ के जन नायक भी हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी प्यारी प्रजा, वीर सिंह के प्रति आप लोगों का आदर और प्यार देखकर हम भाव विभोर हो गए। ना केवल वीर सिंह ने हमारी पुत्री चंद्रकांता के मान सम्मान की रक्षा की, बल्कि उसने पूरे विजयगढ़ के स्वाभिमान को गौरवान्वित किया है। हम जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। इसलिए इस शुभ अवसर पर हम यह घोषणा करते हैं कि कल पूरे विजयगढ़ में विजय दिवस मनाया जाएगा, जहां हम वीर सिंह का अभिनंदन करेंगे। उत्सव की तैयारियां आरंभ की जाएं। दीप जलाओ, मंगल गाओ। वीर सिंह की जय। 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 वीर सिंह की
हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। विजयगढ़ की सारी बहनों की दुआएं हैं। इसलिए कल पूरे विजयगढ़ में विजय दिवस मनाया जाएगा। आओ खूंखारों के महानायक। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे ऐसी घबराहट क्यों? किस दुविधा में पड़े हो वीरेंद्र? कौन सी कश्मकश में फंसे हो? इस दुविधा का कारण जानना नहीं चाहोगे? तुम्हारी इस दुविधा का कारण है प्रेम। क्योंकि पहली बार तुम्हें प्रेम का एहसास हुआ है, तुम्हारे दिल में प्रेम का स्पंदन हुआ है। पर तुम तो जानते ही नहीं कि प्रेम आखिर होता क्या है, तुम्हें तो उसका एहसास ही नहीं है। खूंखारों के महानायक वीरेंद्र, पहली बार तुमने अपने भाई से नहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा से लोगों का मन जीता है। उनका मान, उनका सम्मान, उनका प्यार, आशीर्वाद तुमने पाया। उस लड़की का क्या जो तुमसे इतना प्रेम करती है? तन मन अपना सब कुछ तुम पर न्योछावर कर दिया है उसने। हर तरीके से तुम पर समर्पित है वो। उसका क्या सोचा है तुमने उसके बारे में कभी? उन हजार लोगों का क्या, उनके विश्वास का क्या जिसकी वजह से वो तुम्हें भगवान मानते हैं, रक्षक मानते हैं? इन सबके दिल पे कितनी चोट लगेगी, कितना आघात होगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनको धोखा दे रहे थे। तुम विजयगढ़ सिर्फ तिलिस्म की कुंजी को चुराने आए थे। सोचा तुमने कभी वीरेंद्र? दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। तुम्हें इतना भी नहीं पता, जैसे सजा दूसरों को सुनाई जाती है वैसे सजाया भी दूसरों को जाता है। अब सजा समझकर सजने के लिए तैयार होते हो या ना सजने के लिए तुम्हें सजा सुनाई जाए? और मैं बैठो। बैठ गया। वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ पर हमला कर चुके हैं। यहाँ के सेनापति मान सिंह का सर कलम किया था तुमने वीरेंद्र। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप? तुम सवाल बहुत करते हो, चुपचाप बैठे रहो और हमें ठीक से ये हार पहनाने दो। मेरी सच्चाई नहीं जानना चाहती। कहने का मतलब है कि कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, मेरा मकसद क्या है? हम जानते हैं और पहचानते भी। परिचय शब्दों का मोहताज नहीं होता और हमारा दिल कहता है कि तुम्हारे साथ हम हमेशा महफूज हैं। अब इससे ज्यादा और क्या जान पहचान होगी?
राजकुमारी, क्या हुआ राजकुमारी? आपको आपको चोट आई क्या? हमने कहा था ना, दिल से दिल का दर्द देखा नहीं जाता, और जनाब कहते हैं कि दिल एक दूसरे से अनजान है। आप बैठिए, संभालिए अपना पांव, दिखाइए। दर्द हो रहा होगा ना? जख्म पांव में है, अगर तब इतना दर्द है, जख्म अगर दिल पे दिए तो क्या होगा? हमें परवाह नहीं, जब तक जख्म देने वाला खुद मरहम लगाए, जख्म भी उसका, दवा भी उसकी, दर्द भी उसका, दुआ भी उसकी। फिक्र मत करो, ये तो बस मौसम का असर है, हम भी ना। वो जो उस बक्से में है, वो किसी इमारत का सूक्ष्म रूप लगता है। तुम उसे कुंजी क्यों कहते हो? मैंने बचपन में एक सपना देखा था, एक ना एक दिन मेरा भी वैसा ही एक आलीशान महल हो, महल तो रानी, तो इसीलिए उस कुंजी को मैं अपने सपनों की कुंजी कहता हूँ। तुम अपने सपनों को पूरा करने आए थे ना, ये लो तुम्हारे सपनों के घर की कुंजी। हमारा भी एक सपना है, कि तुम्हारे इस घर में हमारी भी जगह, पर हम जानते हैं कि सपने अपने होते हैं, तो अगर तुम्हारे सपनों में हमारी कोई जगह नहीं, वो भी हमें मंजूर होगा। मैं सिर्फ सिंह जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? राज दरबार में महाराज समेत बाकी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो, पूरी राह ना सही, दो चार कदम तो तुम्हारे साथ चल ही सकते। शांत हो जाइए। हम आप सबको सूचित करना चाहते हैं कि वीर सिंह अब विजयगढ़ के सेनानायक नहीं रहे। कहीं इन्हें मेरी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया। पंडित जी,
वीर सिंह अब विजयगढ़ के सेना नायक नहीं बल्कि विजयगढ़ के आदिपति और रक्षपति घोषित किए जाते हैं। आज से राजा के बाद या फिर राजा की अनुपस्थिति में इनका ही आदेश सर्वोपरि होगा। अधिपति महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? वीर सिंह इस पगड़ी को पहनकर अपने पद की गरिमा बढ़ाइए। आइए नहीं मैं विजयगढ़ के अधिपति का पद नहीं स्वीकार कर सकता। इन लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकता मैं। बस अब और नहीं मुझे आज इन सबको अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी। क्या हुआ वीर सिंह किस दुविधा में हो तुम? क्या हमारा ये प्रस्ताव तुमको स्वीकार नहीं? महाराज इससे पहले कि आप अपना निर्णय दें मैं आपको और यहां उपस्थित हर इंसान को आज अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप लोग मेरे बारे में जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूं। आप जो पद मुझे सौंपना चाहते हैं महाराज मैं उस पद के योग्य नहीं हूं। महाराज महाराज गजब हो गया महाराज चुनारगढ़ के खूंखारों ने विजयगढ़ पर हमला बोल दिया है। बेरहमी से मारकाट करते हुए राजा मारीच अपने सैनिकों के साथ महल की तरफ बढ़ रहे हैं। Yeah.